नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G60 versus Realme Narzo 30 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G60 में 6.68 इंच जबकि Realme Narzo 30 में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Moto G60 से कम है। विड्थ की बात करें तो Moto G60 में 2.99 इंच जबकि Realme Narzo 30 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Moto G60 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Moto G60 में 0.39 इंच जबकि Realme Narzo 30 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G60 में 225 ग्राम जबकि Realme Narzo 30 में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Moto G60 में 20:5:9 जबकि Realme Narzo 30 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G60 में 6.8 इंचेस जबकि Realme Narzo 30 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G60 में 1080x2460 और Realme Narzo 30 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G60 में 85.43% जबकि Realme Narzo 30 में 83.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G60 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Realme Narzo 30 में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G60 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme Narzo 30 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Moto G60 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme Narzo 30 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Moto G60 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Realme Narzo 30 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G60 में Adreno 618 जबकि Realme Narzo 30 में Mali-G 76MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G60 में Qualcomm Snapdragon 732G और Realme Narzo 30 में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Moto G60 में अप टू 1TB जबकि Realme Narzo 30 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Moto G60 में 6000 mAh जबकि Realme Narzo 30 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
मोटो जी 66 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Realme Narzo 30 की तो वो 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो जी 60 में 10 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Narzo 30 की तो उसमें 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में मोटो जी 60 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में मोटो जी 60 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F62 है जो कि 22,399 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 Pro है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 Pro है जो कि 18,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।